तो नमस्ते मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर एक बार अद्भुत अविश्वसनीय गेम खेलने जा रहे हैं, जिस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। नाम तो सुना ही होगा। अभी यार मजाक का समय नहीं रहा, क्योंकि मैं अपनी 1 to 100 डेज की सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ, और अभी तक हमने 1 to 15 डेज काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। नहीं गैस, मैं सर्वाइव शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि इन 50 दिनों में जो हमने संघर्ष किया है, और संघर्ष के साथ हमने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया है, और समय के साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने अपनी मेहनत भी की है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो अपना ऑटोमेटिक फार्म, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक वर्क करता है। अभी तक तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना आधा कार्य भी कंप्लीट नहीं किया है। अभी तो मेरे को वेदर को मारना है, और वेदर को मारने के बाद मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना है। और गाइस हम लोग इलेक्ट्रा को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारी डे 51 की जर्नी शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारी डे 51 की एक सुनहरी सुबह होती है, और तभी मेरे को पता चलता है कि निर्डो, तू ऐसे सो नहीं सकता, तेरे भी सर पर कुछ जिम्मेवारियाँ है। तो तभी मैं मुर्गियों को दाना देता हूँ, और मुर्गियों को दाना देने के बाद शिप को कुछ खिलाता हूँ, और शिप को भी खिलाने के बाद अपनी जो गैया है उनकी भी मैं देखभाल करता हूँ। मैं कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलता हूँ, तब मैं क्या देखता हूँ, एक प्राणी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे साथ खेलने के लिए। तो मैं भी उसके साथ खेलने लग जाता हूँ, और खेल खेल में कब हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ पर आके मैं क्या देखता हूँ, क्रीपर ने अपना आतंक चारों तरफ मचा के रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और यहाँ पे देखो यार, कितने बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। तो मैं पटाक से इसको फिल कर देता हूँ, और इसी में मेरा आधा से ज़्यादा समय निकल जाता है। और जो यहाँ पर अपना ऑटोमेटिक फार्म है, यहाँ से मैं वीट और गाजर कलेक्ट कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख ही सकते हो अपना फुल्ली ऑटोमेटिक काम चलता है। और मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, मेरे से यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, जो कि हमारी चीज़ें हैं वो चेस्ट में नहीं जा रही है। तो मैं भी इस प्रॉब्लम को पटाख से फिक्स कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को माइनिंग में जाने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए थे, जैसे कि हो गए अपने टॉर्च। और रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर मैं सैपलिंग लगा देता हूँ, और यहाँ पर अपनी चीज़ें अरेंज करता हूँ, और फिर मैं सैपलिंग लगा देता हूँ, फिर से मैं अपनी चीज़ें अरेंज करता हूँ, क्योंकि यार मेरे को अपनी चीज़ें अरेंज करना बहुत ही पसंद है। यहाँ पर मैं शील्ड वगैरह बनाता हूँ, फिर शील्ड बनाने के बाद मैं निकलता हूँ माइनिंग पर, और यहाँ पर मैं थोड़ी देर माइनिंग करता हूँ, और मेरे को क्या मिलते हैं, डायमंड्स। गाइस सही में मेरे को यहाँ पर इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरे को कुछ 4 डायमंड मिलते हैं, तो मैं आगे और डायमंड कलेक्ट कर लेता हूं, और फाइनली मैं अपने जीवन काल की प्रथम डायमंड पिकैक्स क्राफ्ट कर ही लेता हूं। इसको क्राफ्ट करने के लिए मेरे को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और गाइस इसके बाद मैं निकलता हूं कुछ ट्रेडिंग करने के लिए विलेजर्स के साथ। विलेजर्स अर्थात लाइब्रेरियन काफ़ी गजब की ट्रेडिंग कर रहे थे, जैसे कि आप देख ही सकते हो। प्रोटेक्शन 1 भाई साहब क्या ही गजब की ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन मैं इनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेपर्स नहीं थे, और पेपर क्राफ्ट करने के लिए मेरे को शुगर कैन चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास उतने प्रमाण में शुगर कैन ही नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को एक शुगर कैन फार्म क्राफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन यार मैं फार्म तो क्राफ्ट कर ही दूंगा, उसके लिए मेरे को बोन मिल चाहिए। अभी तो मेरे को ऐसे हवे में बोन मिल तो नहीं मिल सकते हैं, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्केलेटन स्पोनर की खोज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी मजदूरी और मेहनत करता हूँ, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ स्केलेटन स्पोनर की खोज करने के लिए। यहाँ से मैं अपने झोले का भार अपने कंधों पर उठा के प्रस्थान करता हूँ गुफा की तरफ। यहाँ पर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि गुफा में होता है अंधेरा, और अंधेरे से मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, और ऊपर से मैं हार्ड मोड में खेल रहा हूँ, थोड़ा सा तो डर लगता है यार, न जाने कहाँ से ज़ॉम्बीज टपक जाए और क्रीपर टपक जाए और ब्लास्ट करके चला जाए। और देखो यहाँ पर मेरे को ग्रेविल ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं माइनिंग कर रहा था तो चारों तरफ ग्रेविल ही थे। जैसे तैसे मैं ज़ॉम्बीज को मार के और क्रीपर से बच के अपने एक एक कदम आगे बढ़ा ही रहा था, और यार मेरे को यहाँ पर मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि मैं नए नए क्रीचर को एक्सप्लोर करके डिस्ट्रॉय करने वाला था। फाइनली मेरे को आगे क्या दिखाई देती है, एक रहस्यमय जगह जिसकी मेरे को तलाश थी, लेकिन यार यहाँ पे क्या होता है, मेरे को स्केलेटन स्पॉनर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरे को ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला। लेकिन यार जो भी हो, मिला तो सही, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना तो सही है। तो जैसे तैसे मैं इन ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ, और यहाँ पर अपना कब्जा कर लेता हूँ।
फिर मैं इनके संदूक में देखता हूँ मेरे लिए कौन सी चीजें यहाँ पर है। तो लेकिन यार जैसे तैसे मेरे को यहाँ पर आयरन का हॉर्स आर्मर मिल जाता है जो कि मैं अपने प्यारे से दोस्त को पहना दूंगा। मेरे लिए यहाँ पर अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाना था भाई साहब, इसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और यार वक्त तो काफ़ी ज़्यादा लगा है। अगर गाइस आपने इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर क्या रहे हो मेरे भ्राताश्रियो, जाओ यार पटाख से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यूट्यूब क्या करेगा, मेरी वीडियो की रीच रोक देगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे कतई आतंक मचा के रखना है, बोले तो कमेंट सेक्शन में स्पैम करना है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो भी स्पैम करना है करो, लेकिन यार स्पैम तो करो। स्पोनर के चारों तरफ मेरे को क्रिएट करना है एक 4x4 का डिब्बा, तो पटाख से मैं यहाँ पर 4x4 का डिब्बा क्रिएट कर देता हूँ। सो फाइनली हमारा जोम्बिस एक्सपी फार्म क्रिएट हो चुका है। जब भी मेरे को एक्सपी की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं यहाँ पर आके बड़ी ही आसानी से एक्सपी कलेक्ट कर दूंगा। अभी मेरे को और आगे माइनिंग के लिए जाना है। थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा गार्डन क्रिएट करता हूँ ताकि मेरे को पटाख से एप्पल मिले। और एप्पल के साथ मेरे को यहाँ पर ऊँट की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी, तभी मैं क्या देखता हूँ मेरा यहाँ पर दोस्त आ चुका है, तो उसको पटाख से रख के फिर वापस आके मैं अपना कार्य कंटिन्यू करता हूँ। तो यार ये बनाने के लिए मेरे को तकरीबन एक दिन लगा। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पर अपने लिए गार्डन क्रिएट करता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि मेरे को यहाँ पर एप्पल मिलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि यार एप्पल मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। यहाँ से मैं दो पेड़ काटूँगा तब जाके मेरे को दो या फिर तीन एप्पल मिलेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ पर माइनिंग के लिए आ जाता हूँ क्योंकि यार मेरे को डायमंड की तलाश थी और डायमंड के साथ मेरे को एक स्केलेटन स्पॉनर भी चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पे एक चमत्कार होता है और यहाँ पर मेरे को फाइनली स्केलेटन स्पॉनर मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ अपना कब्जा करता हूँ और यहाँ पर मेरे को गोल्डन एप्पल भी मिलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। और यहाँ पर मैं फाइनली स्केलेटन स्पॉनर का एक्सपी फार्म क्रिएट कर देता हूँ, इससे मेरे को बोन मिलेंगे और बोन से मैं बोन मिल क्राफ्ट कर सकता हूँ। भाई इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। तो यहाँ पर मैं कुछ बोन कलेक्ट करके बोन मिल क्राफ्ट करूँगा। सो फाइनली वो घड़ी आ चुकी थी जब मेरे को नेदर में जाना था। मैं पटाख से यहाँ पर नेदर पोर्टल के थ्रू नेदर में आ जाता हूँ, हाँ एक ही तरीका होता है नेदर में आने का। और यहाँ पर मैं कुछ रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ और जैसे मेरे रिसोर्सेस कलेक्ट हो जाते हैं वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टहलता हूँ, फिर यहाँ से मैं चला जाता हूँ अपने वर्ल्ड में। अभी मेरे को यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनानी थी, ऐसी मशीन लगानी थी जो मेरे को ऑटोमेटिकली शुगर कैन प्रोवाइड करेंगे। मेरे को ऐसी मशीन लगानी थी, इधर से मैं बोन मिल डालूंगा और उधर से मेरे को शुगर कैन मिलेंगे, फिर शुगर कैन के थ्रू ये क्राफ्ट कर सकता हूँ पेपर। सो पटाख से मैं अपनी मशीन क्रिएट कर देता हूँ। अभी मेरे को इधर से बोन मिल डालना था और उधर से मेरे को शुगर कैन निकालने थे, फिर मैं शुगर कैन के पटाख से यहाँ पर क्राफ्ट कर देता हूँ पेपर। और यहाँ पर डे 51 की शुरुआत होती है विलेजर से ट्रेडिंग के साथ। तो यहाँ पर मैं विलेजर से कुछ ट्रेडिंग करता हूँ और विलेजर भी खुश हो जाते हैं, सही में विलेजर काफ़ी खुश होते हैं और मेरे को काफ़ी तगड़ी इंचेंटमेंट्स मिलती है। और यहाँ पर मेरे को विलेजर से लेजेंडरी इंचेंटमेंट बुक प्राप्त करने के लिए 9 से 10 दिन निकल जाते हैं, लग जाते हैं आप जो भी समझो। सो यार यहाँ पर मेरे पास आर्मर भी आ चुके थे, ऐसे वैसे नहीं डायमंड के आर्मर, क्योंकि यार यहाँ पर मैंने जो आर्मर का व्यापार करते हैं मैंने वो वाली विलेजर्स को यहाँ पर बुलाया था। तो आप देख ही सकते हो मेरे आर्मर में क्या ही तगड़े ओपी वाले इंचेंटमेंट्स है, प्लस यहाँ पर मेरे पास डायमंड के आर्मर है, भाई साहब क्या ही गजब का यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग की है। और आर्मर में इंचेंटमेंट लगाने के बाद अभी मेरे को यहाँ पर अपने वस्त्र धारण करने थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या ही ओपी इंचेंटमेंट लगा दी है, यहाँ पर ये ओपी इंचेंटमेंट नहीं है क्योंकि यार मैं यहाँ पर हार्ड मोड में खेलने वाला हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। यहाँ पर मेरे पास डायमंड की तलवार नहीं थी तो मैं यहाँ पर निकलता हूँ माइनिंग में डायमंड की प्राप्ति करने के लिए, यानी कि खोज करने के लिए। सो यहाँ पर मैं थोड़ी देर तक माइनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है आप खुद देखो यार।
वहाँ पर मैं थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे को वहाँ पर डायमंड मिलती है, और डायमंड मिलने के बाद मैं अपने जीवन काल की प्रथम डायमंड तलवार क्राफ्ट कर लेता हूँ। और तलवार क्राफ्ट करने के बाद जो हमारी सदियों पुरानी प्रथा होती है उसको भी पूरे सम्मान के साथ कंटिन्यू करता हूँ, यानी कि तलवार पर जादू टोना करने की। और यहाँ पर मैं नर्क अर्थात नेदर में जाने की तैयारी करता हूँ। मेरे को यहाँ पर नर्क में जाना है तो फुल प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे, और यहाँ से मेरा नेदर का सफ़र शुरू होता है। ये सफ़र थोड़ा सा यार डरावना था, और यहाँ पर मेरा मेन फोकस था नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड करना, जो कि मेरे को पता है उसके लिए काफ़ी तगड़ी छानबीन करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को यहाँ पर किस्मत से बहुत ही जल्द नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है, और यहाँ पे मेरे चारों तरफ लावा था, और मेरे को नेदर फोर्ट्रेस में जाने के लिए अपना खुद का रास्ता क्रिएट करते करते मेरे को एक एक कदम आगे बढ़ाना था। और यहाँ पर मैं एक एक ब्लॉक आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। अंदर तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एक चीज़ भूल गया था, वो थी लैडर। सो यहाँ पर मैं पटाख से लैडर क्राफ्ट करके फिर से मैं नेदर फोर्ट्रेस के पास जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लैडर का संपूर्ण उपयोग करते हुए ऊपर जाता हूँ। जैसे तैसे मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर कोई भी कुछ ना कर सके। और यहाँ पर मैं नेदर के ऊपर जाता हूँ तब मेरा स्वागत कौन करता है, ब्लेज। सो यहाँ पर मैं पटाख से इस ब्लेज को भी मार देता हूँ बड़ी मुश्किल से, और यहाँ पर मेरे को मिल जाते हैं ब्लेज रॉड। अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। मेरे को नेदर फोर्ट्रेस को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना था, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर मेरे को डायमंड भी मिल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं नेदर स्केलेटन को मारते हुए आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर मेरे को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ब्लेज मिलते हैं, ब्लेज से भी मेरे को लड़ना है भाई, काफ़ी तगड़ी मेहनत करके आया हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को ब्लेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जैसे तैसे गाइस फाइनली मेरे को मिल जाते हैं नेदर स्कल। इसको मेरे को प्राप्त करने के लिए लगभग 20 नेदर स्केलेटन मारने पड़े, तब जाके मेरे को यहाँ पर एक नेदर स्कल मिला। सो यहाँ पर मैं लड़ झगड़ कर और नेदर स्कल कलेक्ट कर ही लेता हूँ, और इसी के साथ मेरी नेदर की यात्रा समाप्त होती है। और यहाँ पर मेरे जान में जान आई, क्योंकि यार ये जो हमारी यात्रा थी ये काफ़ी संघर्ष भरी पड़ी थी। लेकिन यार ऐसे कैसे काम चलता, मेरे को वेदर को स्पॉन करने के लिए यहाँ से सोल सॉइल भी कलेक्ट करके लेके जाना था। सो यहाँ पर मैं पटाख से सोल सॉइल कलेक्ट करके वेदर को स्पॉन करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। मैं अपने विलेज से दूर जाके वेदर को स्पॉन करने वाला था, और यहाँ पर मेरे को और एक विलेज मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर ही वेदर को स्पॉन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं एक मिनट वेदर के आगे टिक नहीं पाया। लेकिन मैं भी कहा हार मानने वाला था, मैं भी वेदर के साथ 4-5 बार युद्ध करा, लेकिन यार हर बार की तरह इस बार भी मैं मरता गया। लेकिन मैंने सोचा यार मैं अभी इसको हार्ड मोड में तो नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तगड़े इंचनमेंट नहीं थे, और एक तो मेरे पास नेदर राइट का आर्मर भी नहीं था। तो इसलिए गाइस मैं इसको इजी मोड में मारूंगा, क्योंकि यार मैं हार्ड मोड में नहीं मार सकता, मेरे पास तगड़े आर्मर नहीं है। तो इसको जैसे तैसे मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये भी मेरे को मार रहा है, और यहाँ पर देखो इसने आतंक मचा के रखा है। यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे इसको फाइनली भाई मर जा यार, कब मरेगा तू, फाइनली मैं कहते ही जाऊँगा और तू मरेगा ही नहीं। सो यार मर जा यार मर जा। सो फाइनली गाइस वन हिट और ये मर गया। भाई साहब मेरे को यहाँ पर इतनी खुशी हुई कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, समझ लो आप, मैंने अपनी ये वाली दुनिया में वेदर का वध कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मेरे को रुकना कतई नहीं है, अभी तो मेरे को माइनक्राफ्ट के बॉस लीडर, आप जो भी समझो, बॉस या फिर लीडर, उसका वध करना है, यानी कि एंटर ड्रैगन को मारना है। उसके लिए मेरे को एंड पोर्टल फाइंड करना पड़ेगा। एंड पोर्टल मेरे को यार फाइंड तो हो जाएगा, यानी कि मिलेगा तो काफ़ी जल्दी, आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर काफ़ी जल्दी एंड पोर्टल भी मिल चुका है। अभी मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना है। मैं यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तरा रख के निकलता हूँ एंडर ड्रैगन का वध करने। मैं यहाँ पर एंडर ड्रैगन के पास आ तो गया था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला मेरा मिशन था जो था एंडर ड्रैगन को जहाँ से ऊर्जा मिलती है उस जादुई चीज़ को नष्ट करना, तो समझ रहे हो ना, उसको मेरे को ब्लास्ट करना है। तो पटाख से मैं इस जादुई चीज़ को ब्लास्ट करके एंडर ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाता हूँ।
सो फाइनली गाइस, मैं एंटर ड्रैगन का वध कर ही देता हूँ। इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और यहाँ पर जितनी भी एक्सपी है वो भी मैं कलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अंडर एग है, अंडर एग क्या कहती है उसको, एंड एग, भाई जो भी कहेंगे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उस एग को कलेक्ट कर देता हूँ। और इसी के साथ होती है हमारी माइनक्राफ्ट की जर्नी समाप्त। लेकिन रुको रुको, मेरे को अभी अच्छे से याद है, मेरे को एंड सिटी एक्सप्लोर करके इलेक्ट्रा लानी है। लेकिन यार उसके लिए एक घासूसा वीडियो तो बनता है, लेकिन वो मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, जब इस वाली वीडियो में 300 लाइक एम कंप्लीट होगा तब मैं वो वाला वीडियो आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पटाक से लाइक ठोकना पड़ेगा। तो मेरे भ्राताश्रियो, ठोक दो लाइक और कर दो सब्सक्राइब। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बोले तो मंडल आभारिया है।